नुमाइश में मैं समझता हूँ कि पहली बार एक नातिया मुशायरा बहुत ही कामयाब पेश किया, कामयाबी के साथ पेश किया गया। नुमाइश कायम होकर आज 75 साल की तारीख में ऐसा नातिया मुशायरा आज तक नुमाइश में नहीं हुआ। अगर कोई हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे कोई यहाँ बताए, आपकी नजर में आपके जहन में से कोई बात है? नहीं है ना। अब हो रहा ये एक इशारा हुआ है जो ये भी एक तारीख है। चलिए चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अफसाना निगारी एक ऐसा फन है जो बहुत ही कदीम फन है। कहानी को बाद में अफसाना की शक्ल दी गई और उसको प्रमोट किया गया। तो अफसाना मैं इसकी सदारत भी मसरूर आदमी साहब के हवाले करता हूँ इस महफिल अफसाना की। तो मैं चाहता हूँ कि अफसाना निगारी का थोड़ा सा आपके सामने बात करूँ। देखिए, हम बचपन में जितने भी कहानियाँ अपने वालिदैन से सुनते थे या दादा दादी या नाना नानी से सुनते थे, उन्हीं कहानियों को प्रमोट कर कर अफसाना निगारी उर्दू अदब में उसको अफसाना निगारी की शक्ल दी गई। और कहानी का जो हमारे सामने जो कहानी अफसाना निगारी तारीफ होती है वो बहुत ही कदीम है। जब इंसान कोई जबान बोलना सीखा किसी भी जबान में, तो माँ अपने बच्चे को डोरी देकर सुनाती है, और जब वो बच्चे जरा बड़े होते हैं तो उनको ऐसे कहानियाँ सुनाती है जिससे बच्चा आगे चलकर बहादुर बने और नेक बने, अच्छे रास्तों पर चले, ऐसे कहानियाँ उनको सुनाई जाती है। ये कहानियाँ गुफ्तगू हो रही है इस वेले कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अर्ज कर रहा था मैं कि कहानी निगारी का फन बहुत ही कदीम है, यहाँ तक कि शायरी से भी कदीम है। लोग कहते हैं कि कहानी निगारी शायरी से भी कदीम सिंह है। तो बहरहाल हमारे शहर में बहुत से अफसाना निगार हैं और बेहतरीन उमा देवी भी मुख्तसर अफसाने कहती हैं। उनके बस कोई अगर अफसाना है आप पेश कर सकती हैं तो आकर पेश कर सकती हैं। कोई सब छोटा सा अफसाना नहीं है। चलिए, मैं आपके सामने एक अफसाना पेश करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं जबानी अफसाना पेश करूँगा। लोग कागज देकर अफसाना पेश करते हैं और मैं हैदराबाद का वो वाहिद अफसाना निगार हूँ जो बगैर किसी स्क्रिप्ट के कहानी के आवाज से, अफसाने के आवाज से अंजाम तक उसके हर पहलू को अपने नजर में रखते आप से मुखातिब होते हुए आपकी दिलचस्पी को समेटते हुए मैं अख्ताम तक पहुंचूंगा। अफसाना जब शुरू होगा तो उसका सबसे पहले अफसाने में जो है ना उसका टैक्सी उसका अनुमान कहता है। अनुमान के मुताबिक अफसाना आगे बढ़ता है, किरदार उसमें मदद करते हैं और अफसाना निगार की मदद करते करते वो अफसाना अपने अंजाम तक पहुँचता है। जब अफसाना अपने अंजाम को पहुँचता है तो उसमें एक सबक, एक थाट, एक फिलासफी भी छोड़ कर जाता है। तो मैं अफसाना निगारी में मुझे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और मेरी कई किताबें भी अफसाने पे शाये हो चुकी हैं। मेरी 46 किताबों में शाये हो चुकी हैं, 5 अफसाने की किताबें हैं और अब एक तिफले सादिक के नाम से 47 किताब मेरी मंदिर यहाँ पे आने वाली है जो बच्चों की कहानी बन रही है। तो आइए मैं आपके सामने एक अफसाना पेश कर रहा हूँ। भाई आप जरा बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं जो अफसाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका अनुमान है पत्थर कहें या शीशा। दोहराइए, उमान को पत्थर कहें या शीशा। इस उमान के तहत अफसाना आगे बढ़ता है और उसके बाद अपने ये 5-7 मिनट का अफसाना है, कोई तवील अफसाना नहीं। 5-7 मिनट में मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। आवाज से अंजाम तक आप मेरा साथ दीजिए, आवाज से अंजाम तक आप मेरे साथ रहिए तो आसानी से आप लुत्फ अंदोज होंगे। तो उमान है पत्थर कहें या पत्थर कहें या शीशा। हौस एक ऐसा नाम है जिसको लोग बहुत ही एहतियात से उसका नाम पुकारते हैं। उसकी वजह है कि हौस भाई, हौस साहब, हौस मियाँ, उसकी वजह यह है कि हौस बहुत ही एक ऐसा नौजवान है जो बहुत जिसको एंग्री मैन हम कहते हैं। हौस की आदत यह है कि किसी की अगर जरा सी गलती देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पे
अगर वो कोई पानी की दुकान पर जाकर पानी लेता है और उसमें जरा सा गलती से चूना या कट्ठा इजाफा हो गया तो फिर समझ लीजिएगा कि पान वाले की खैर है। बात मामूली होती है, नजरअंदाज भी की जा सकती है, लेकिन गौस की फिक्र हमेशा उससे में आने की रहती है। उसकी याद उसका जब उसकी आदत ये जड़ पकड़ लेती है तो दिन तमाम में एक आध बार गुस्से में नहीं आता है तो उसको नींद नहीं आती, उसको नींद तो उसका नाम लोग गौसु गुस्से वाला रख देते हैं। महिला उसको गौसु गुस्से वाले के नाम से पुकारते हैं और उससे एतराज करते हैं, दूर दूर रहते हैं, भाई इसे मौक लगे तो खुश से भी बोल देता हूँ। तो एक बार का जिक्र है कि उसके घर के सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट का बॉल आकर उसके घर में गिरता है खिड़की में से आकर। वो उसका बॉल घर पे रहता है और जब वो बॉल आके गिरता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, ये बच्चों को मैं बार बार मना करने के बाद यहाँ पर ये खेल रहे हैं, हालांकि ना शीशा टूटता है घर का ना कुछ, और महल के बच्चे हैं, महल में गली में क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। उसको इस बात का एहसास नहीं होता है, वो आता है बच्चों को डांटता है, एक का कान रोड़ता है, एक दो थप्पड़ लगाता है, तो बच्चे की आवाज़ सुनकर रोने की उनमें से एक बच्चे के वालिद साहब आ जाते हैं, अरे क्या हुआ वो सुनिए क्या हुआ कहीं तुम्हारे बच्चों आप इसमें रखो बोल, अरे मेरा बच्चा है हमारे हम तो क्या करो यहाँ खेल रहा हूँ उन्हें गली में हम आके बात करें कि ऊपर गोला घर में आया। अच्छा वो सुबह आपका कुछ ढांचा टूटा गया, शीशा टूटा गया खिड़की का, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, बच्चे को नको मारो ज्यादा वादा नहीं करना मेरे सामने, बोल के बच्चे के वालिद को डांट के बच्चे के बैट को अपने पीढ़ी ऐसा रान पे रखकर दो टुकड़े करके बच्चे के हाथ पे दे देता हूँ। अब उसके वालिद को इतना गुस्सा आता है कि क्या करूँ, लेकिन महिला तमाम हौसलों से घबराता भी था, बॉडी बिल्डर के साथ अच्छा हट्टा कट्टा था लेकिन उससे डरता भी था। अब उनके वाले साहब बच्चे के वाले जो है बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे को डराते यहाँ दे यहाँ से आइंदा से नहीं खेलना देखते तेरे को बोलो चले आए। तो अब बहुत का याद हो गया है कि जिस दिन उसको हर एक हर बात में गुस्से में आता है, जिस दिन वो किसी पर गुस्सा नहीं निकालता तो घर में आता है, घर में आके अपने वादा से गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। तो उनकी वादा समझ आते हैं बहुत सुखी कि आज किसको कोई मिला नहीं अपना गुस्सा निकालने के वास्ते, हर प्यारा वो मुझ पर गुस्सा निकाल क्या ये मजा अब तक खाना नहीं खाया क्या करे तुम दे दो हमको अगर ऐसा, अरे मियाँ लाई ना बाबा तू कपड़े तो था मुँह तो ला नहीं मैं आने से पहले खाना रख देना। तो मुझे वादा होगी तू आज सुबह समा मैं खड़का नहीं मारा बेचने वाला आ गया ना आके पा जोड़े अरे देव रे बाबा गए। तो वादा उसके गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसको नींद नहीं आई, जब तक ये किसी पे गुस्से में नहीं आएगा वो बेचैन रहता है। तो एक दिन का जिक्र है कि वादा घर पर नहीं रहती है, उसकी बहन छोटी घर पर रहती है, वो आता है आते जो है ना घर में दरवाजा खटखटाते कहाँ अमी जा रहा हो, तो बहन बोलती है अमी नहीं है वो खाला के साथ कहीं बाजार गई है आप बैठी भाई ना आप वहाँ भेजिए मैं खाना, तो क्या लाती खाना तो क्या लेती खाना कभी नहीं तू मेरे खाना बहन के ऊपर गुस्सा है, अरे भाई अम्मी देते ना मैं कह को अब अम्मी दे रहे हैं क्या मैं लेते तू अब अम्मी नहीं है मैं देता हूँ जरूरत नहीं अम्मी आ दे अम्मी आ देना मेरे। तो बहन परेशान होती फिर भी क्या होती भाई बोल रहा था भूखा ही है उसको खाना होना है, पर बोल रहा था पैसा भी जाके चुने जो भी खाना वाना गर्म करके ला के रख देते हैं, वो खाना वाना खाता है लेकिन अब गुस्सा निकालना था उसको तो उस क्या करता है कि ये सारंग कौन पकाए तो मैं पकाए भैया ऐसा पका दे तू क्या ऐसा सारंग में सारंग के कटर को ढक लेता है और मेज से तमाम सारंग गिर जाता है। वो जाके बहन भी समझ आती है कि भाई को कोई मिले नहीं वो गुस्से में आकर हमारे को गुस्सा निकाल रहा है, तो ये सब सिलसिला चलते रहता है। तो गौस के घर के सामने एक किशन नाम का लड़का है जो अपनी बहन के साथ है। तो गौस के घर के जरा आगे एक समझिए कि 30 फीट की रोड है, उसमें गौस की तमाम एक कार आ सकती है जा सकती है, स्कूटर तो आसानी आती जाती है। तो गौस के घर के सामने किशन नाम का जो लड़का है अक्सर वो जब वहाँ पर उसके घर के सामने ज्यादा मोटरसाइकिल आ रही थी तो गौस के घर के सामने अपनी बाइक पार्क करके अपने घर को चला जाता। दो तीन बार गौस वो किशन को बुलाते रह गया, फिर वो बोला हमें यहाँ गाड़ी निकला था अब तुम यहाँ खड़ा था भाई हाँ गौस भाई वो मेरे घर में पूरे गाना बुले थे ना जी मैं कहा रहना था यार चल गया है वो बार किशन क्या करता है गाड़ी भी नहीं निकालता है दो तीन बार ऐसी छड़ पे होती। एक बार जिक्र है इसी तरह गौस अपने बाइक किशन के घर के पास चला सकता है और
इतफाक से बहुत जल्द करते रहता है अपने घर के पता किशन क्या हो गया फिर भाई बड़ा था लेके आपसे बोला ना क्यों खड़ा करके कहा है नहीं बस भाई आप रहने दीजिए वो एम्बुलेंस आ रही है एम्बुलेंस आ रही है मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब है और मैं अपनी बहन को जो है ना एम्बुलेंस मंगाया हूँ अगर मैं मेरे घर का गाड़ी खड़ा करा तो एम्बुलेंस नहीं आती वहाँ पे मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब है एम्बुलेंस आ रही है इसलिए मैं यहाँ भाई खड़ा कर रहा हूँ मैं फोन करा था एम्बुलेंस के लिए उसको रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैं मेन रोड पे जाके एम्बुलेंस लेके मैं आया हूँ यहाँ भाई खड़ा कर रहा हूँ अभी लेके आऊँ वो सब कुछ मिलने वाला हूँ हमेशा कुछ तो भी बहाने कर अरे नहीं बस भाई आ रही है मैं एम्बुलेंस आई है एम्बुलेंस आते ही जो है ना किशन होता कुछ भी बोले तो बाद में देखेंगे एम्बुलेंस के साथ भागता है अपने घर पे माइक काम कीजिए तो उसकी बहन की तबीयत बहुत नासा रहती है उसको सीवियर हार्ट अटैक आता है पसीने में तर बतर उसकी बहन तीसरी मंजिल पे लोग रहते हैं किशन और उसकी बहन तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो वो अपनी बहन को सहारा देकर नीचे उतारता है और हक्का बक्का जब एम्बुलेंस जाती है तो उसी दरवाजे पर खड़ा होता है देखते रहता है सारा मंदिर जब वो देखता है कि उसकी बहन नड़कड़ा कर गिर गई किशन की तो बस भागता है भागकर उसकी बहन को सहारा देता है ये गुस्से वाला बस भागता है किशन की बहन को सहारा देता है एम्बुलेंस में उसको सवार कराता है और फिर एम्बुलेंस वाले से पूछता है कि कौन से दवा है कि एम्बुलेंस है तो बोलते साहब वो किरण हॉस्पिटल है ना किरण हॉस्पिटल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है चौरस से जवान वहाँ पर ये एम्बुलेंस लेके जाना है किशन को अच्छी बात है उनका बॉस एम्बुलेंस में उसकी बहन को सवार करता है सवार कराता है और बॉस अपना घर आता है और एम्बुलेंस जैसे ही जाती है बाइक उसके अपनी बाइक पर बॉस उस करण किरण हॉस्पिटल को पहुंच जाता है अब ये किशन में उसकी बहन हैदराबाद में अकेले रहती है गाँव के रहते हैं कि कोई यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है दोस्त नहीं है बात नहीं है महल के कुछ लोग हैं लेकिन उस वक्त कोई भी किशन के दोस्त अभाव उसको नजर नहीं आते हैं इस परेशानी में किशन अकेला रहता है गाँव में तक हॉस पहुँचता है यहाँ पर हॉस पहुँचता है तो ये रोते रहता है किशन उसके पीठ पे हाथ रखता है भाई किशन क्या हो रहा है नहीं आप मेरी बहन की बहुत तबियत खराब है अंदर मेरे को जाने नहीं दे रहे ICU में लेके चले गए बोले कि अंदर नहीं आना अभी नॉट ऑफ डेंजर नहीं है मेरी बहन अभी बहुत खतरे में है मेरी बहन डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी खतरा टलने के आते कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा मैं बहुत परेशान हूँ वो तो बॉस किशन को लपटा लेता है लपटा लेकर उसको बहुत अठास बनाता है कि परेशान मत हो यार तुम्हारी बहन मेरी भी तो बहन है उसको अल्लाह ताला सहज देगा हम यहाँ बैठ कर दुआ करेंगे तुम लोग फिर बॉस को वहाँ बिठाता हूँ किशन को वहाँ बिठाता है उसको ढाल देता है जब आधे घंटे के बाद डॉक्टर आता है बोलता है कि कोई खतरे की बात नहीं है लेकिन शाम तक हम डिस्चार्ज करेंगे अभी तो ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी बहन तो उसको जरा सुकून की सांस आती है सुकून की सांस लेता है किशन और उसके बाद होता यह है कि तमाम महिला को यह बात मालूम रहती है तमाम महिला जो बॉस की गुस्से की तबीयत से नाना था पूरी महिला को यह बात कह जाती है कि मेरा बॉस ऐसा गुस्से वाला है हर एक पर गुस्सा निकालने वाला हर एक के साथ डेट के बहाना करने वाला आप इसमें क्या रिटर और क्या तब्दीली आ गई जो ये किशन की बहन के साथ उसको जो है ना अपनी बहन समझ कर उसको सहारा दिया और उसको जो है ना दवाखाने तक लेके गया फिर वहाँ से जो है ना भारत बना कर वापस आया तो एक बड़े मियाँ वहाँ मिलने में रहते हैं वो कहते हैं कि भाई दरअसल ऐसा है औसा दिल पत्थर का नहीं है हम इसको पत्थर दिल इंसान समझते थे पत्थर पर कोई आस नहीं पड़ता गम का खुशी का पत्थर कोई आस नहीं पड़ता दरअसल औसा दिल एक शीशे का है जो उसके दिल में ये अक्स हमदर्दी का इंसानियत का उसके दिल में जब पड़ा और किसी की तकलीफ का उसको एहसास हुआ जब वो अक्स पड़ा तो पत्थर एक शीशे में तब्दील हुआ और हम हौस को जो हमारे गलतफहमी थी हमको दूर कर लेनी चाहिए क्योंकि हौस दिल का अच्छा है वो पत्थर दिल इंसान नहीं बल्कि उसका दिल एक शीशे का है यहीं पर अफसाना खत्म होता है बहुत बहुत शुक्रिया जी गाड़ी बाइक हटाई के लिए